कॉर्पस दरा कराची के मुख्तलिफ शहराओं और आबादियों में लाखों के हिसाब से मौजूद है। क्या ये दरख्त माहौल दुश्मन है? क्या शहर में क़यामत खेज गर्मी की वजह भी यही है? और क्या ये बीमारियों का सबब बन रहा है? इन सब सवालों का दो टोक जवाब दिया डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद यहिया नूरी ने। कहते हैं की कोनो कॉर्पस एक बेजरर आमसा दरख्त है। गर्मी के बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसमें दरख्त का होना अवामिल में से शामिल नहीं है। दरख्तों का ना होना अवामिल में शामिल है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एक पर्टिकुलर दरख्त की बात करें, कोनो कार्पस के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, तो कोनो कार्पस एक दरख्त तो है ना, वो अपने वो तमाम काम कर रहा है जो एक दरख्त करता है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये हरा भरा और छोटी पत्तियों वाला दरख्त फिजा से ऑक्सीजन जज़ब कर लेता है, माहौलियाती निज़ाम की तब्दीली का सबब बन रहा है, मगर यहिया नूरी इससे इत्तेफाक नहीं करते। किसी भी इस किस्म के क्लेम को अगर आप इसके अलावा रेस्पिरेटरी अमराज की बात कर लें या एलर्जी की भी बात कर लें, तो वो कहते हैं जी इसका पोलन हवा में बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से एलर्जीज होती हैं। तो हम सिर्फ पोलन की मौजूदगी की बेसिस पे नहीं कह सकते कि एलर्जी इसकी वजह से है, ठीक है, या हम सिर्फ पत्तों की मौजूदगी की वजह से नहीं कह सकते कि जी इसकी वजह से, और बहुत सारे अवामिल हैं जो पिछले 4-5-6 साल के अंदर चेंज हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद यहिया नूरी ने इस तासुर की भी नफी कर दी कि कोनो कॉर्पस एलर्जीज और दीगर बीमारियों का सबब है। दरख्त कोई भी माहौल दुश्मन नहीं होता, ठीक है, दरख्तों का अपना बुनियादी काम है, वो बेचारे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड फिजा से एब्जॉर्ब करते हैं और अपना काम करते हैं। जिस अंदाज में इस दरख्त की शजरकारी हमारे शहर में हुई हुई है, वो माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक ही किस्म के दरख्त लगाए गए हैं मुसलसल, ठीक है, लेकिन इसका जो जुमला मैं मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि भाई इसका हल ये नहीं है कि आप ये 22 लाख दरख्त काट दें, इसका हल ये है कि आप 1 करोड़ दरख्त और लगा लें। माहिरीन कहते हैं कि कोनो कॉर्पस जल्दी बड़ा होता है, इसे पानी और हिफाजत की जरूरत भी कम होती है, ये दोनों इस पौधे की खूबियाँ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे खामी बताया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि कराची के शदीद गर्म मौसम में कोनो कॉर्पस का कोई कसूर नहीं और इस दरख्त से मुतालिक पिलाई गई इत्तलात भी बुनियाद है। कोनो कॉर्पस को काटने के बजाय मुख्तलिफ अकसाम के नए दरख्त लगाए जाए तो माहौल पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन फैजान अली के साथ नियाज अली, जाग कराची।